हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसाई स्टडी पॉइंट में बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 25 एमसीक्यू इसमें हम सॉल्व करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो है शक्ति तथा प्रभाव। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है शक्ति को बल के रूप में किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, अर्थात किसने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया है, तो सही आंसर हो जाएगा कैटलिन और लासवेल। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटलिन का विचार है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ब, बी जो है सही आंसर है। शक्ति से उसका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति से नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वो घरेलू हो अंतर्राष्ट्रीय हो, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है मार्गेंथाउ का। मार्गेंथाउ कहते हैं कि शक्ति राजनीति जो है, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तात्कालिक उद्देश्य, प्रश्न नंबर फाइव है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो है मार्गेंथाउ का, सही आंसर हो जाएगा ए। मार्गेंथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं, प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी, बल प्रयोग शक्ति का उपकरण नहीं है। तो इसमें जो डी है आपका वो सही आंसर हो जाएगा, कि जो बल प्रयोग है शक्ति का उपकरण नहीं है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, अर्थात गलत है, क्योंकि बल प्रयोग क्या होता है, शक्ति का ही एक उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो कह रहा है प्रभाव एक बल रहित तत्व है, सही है। प्रभाव गुप्त शक्ति है, ये भी सही है। प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है, प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा सी, प्रभाव और शक्ति, प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रभाव शक्ति एवं बल पर ही आधारित हो, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्य के मस्तिष्क एवं कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। तो ये जो कथन है ये मार्गेंथाउ का कथन है। मार्गेंथाउ कहते हैं कि जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना है, ये कथन किसका है। शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है, इतना भी स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो कथन है वो लॉसवेल का कथन है। लॉसवेल क्या कहते हैं कि शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य है। तो इसमें जो पूछ है कौन सा सही नहीं है, तो जो बी है वही जो है सही नहीं है, गलत है। शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य, ऐसा नहीं होता है। बल का प्रयोग दृश्य होता है, शक्ति अदृश्य होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति से क्या अभिप्राय है, तो इसमें जो है राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण तथा प्रभुत्व, सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें आप देख लेते हैं, वैसे तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। प्रभाव भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है जबकि शक्ति सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है कि प्रभाव भय और दंड पे ही आधारित होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भय और दंड के वजह से ही किसी व्यक्ति का या किसी नेता का प्रभाव हो। प्रभाव व्यक्तित्व का भी पड़ता है, सकारात्मक बातों का भी पड़ता है। तो इसमें बी जो विकल्प है वो सही नहीं है, अन्य सभी सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है शक्ति के प्रयोग करने का अंतिम तरीका कौन सा है, तो शक्ति प्रयोग का अंतिम जो तरीका है वो होता है बल, सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गईं, उन्हें शक्ति प्रयोग की कौन सी विधि कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा प्रलोभन,
कि क्या किया कि अमेरिका और जो यूएसएसआर है इन लोगों ने अन्य देशों को आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर अपने अपने गुटों में शामिल करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप कौन है? तो सबसे अधिक उग्र रूप तो युद्ध ही हो सकता है, ठीक है, बल प्रयोग का। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? शक्ति साधन है, शक्ति साध्य है, शक्ति साध्य भी है और साधन भी। अनुनय एवं प्रलोभनों द्वारा दूसरे के ऊपर प्राप्त किया गया नियंत्रण शक्ति कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, शक्ति साधन भी है, शक्ति साध्य भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है, शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं होते, राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण तुलनात्मक रूप से ही संभव है, शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं है, लेकिन शक्ति का विश्वसनीय होना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? तो राष्ट्रीय हित को जो है मार्गिन्थाउ ने शक्ति के परिप्रेक्ष्य में क्या किया है, परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए धमकी जो है, केवल धमकी भी दी जाए तो क्या होता है, दंड जो है क्या होता है, प्रभावशाली होता है। अगर आप डायरेक्ट बल का प्रयोग कर देंगे तो उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि पहले किसी को उसके बारे में धमकी दिया जाए, देन क्या हो, बल का प्रयोग किया जाए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डी, समझाना। क्योंकि देखिए यहाँ पूछ रहा है कि राजनयिक सर्वश्रेष्ठ तरीका, तो राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही होगा कि पहले वो समझाएंगे, ठीक है, फिर वो फिर प्रलोभन दिया जाता है, फिर बल प्रयोग या दंड की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वह दार्शनिक जिसने राजनीति में शक्ति के स्थान की कड़े 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 से कड़े शब्दों में प्रार्थना की है वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रटन रसेल जो है वो राजनीति में शक्ति के स्थान की कड़े शब्दों में प्रार्थना या आलोचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतन और अधक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में ही होता है। तो ये अवधारणा हॉब्स का है। हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर शक्ति प्राप्त करने की ऐसी निरंतर, ऐसी चिरंतन और अधक इच्छा होती है जिसका अंत मृत्यु के ही साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है। राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैटलिन का है। सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राजनीति शास्त्र को किसने शक्ति का विज्ञान बताया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया। यहाँ पेंसिल भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाला विचारक कौन है? तो इसमें भी जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा, कैटलिन जो है राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाले विचारक हैं। तो आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो है आप अगर हमारा वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप बेल को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।